नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य वार्ता में हमारा आज का विषय है हिंदी का भौगोलिक विस्तार इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर हिंदी के भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे वैश्विक व भारतीय स्तर पर हिंदी दोस्तों अगर वैश्विक स्तर पर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है और जो जो हिंदी भाषी ऐसे या फिर यू कहें कि जो प्रमुख देश हैं जहां पर हिंदी भाषा को समझा और बोला जाता है वे हैं मॉरिशस फिजी त्रिनीदाद युगांडा नेपाल इंग्लैंड अमेरिका इत्यादि इसके अलावा अन्य देशों में भी हिंदी को कहीं ना कहीं बोला और समझा जाता है जैसे सोभित संघ हो गया सिंगापुर मलेशिया हो गया हांगकॉन्ग हो गया यहां यहां भी हिंदी को बोला और समझा जाता है तो अगर भाषा के भाषा की संख्या के आधार पर देखा जाए तो अमेरिका में लगभग एक लाख लोग हिंदी भाषी हैं जबकि नेपाल में आठ मिलियन दक्षिण अफ्रीका में नौ लाख जबकि मॉरिशस में सात लाख के करीब करीब लोग हिंदी भाषी हैं और अन्य देशों में भी कहीं ना कहीं हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या पाई जाती है इसके आधार पर ही हम कहते हैं कि हिंदी का जो वैश्विक स्तर है वो क्या है वो काफी दूर दूर तक है अन्य अगर हम बात करें भारत में हिंदी की स्थिति कि भारत में हिंदी भाषी राज्य कौन कौन से हैं कौन कौन से राज्य हिंदी भाषी हैं तो आइए वो भी देख लेते हैं कि भारत में जो हिंदी भाषी हैं भारत में हमने हिंदी को तीन भागों में विभक्त किया है एक तो पूर्णतः हिंदी भाषी राज्य हैं दूसरा गौण हिंदी भाषी राज्य है और फिर तीसरा अहिंदी भाषी राज्यों के प्रमुख नगरों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी तो आप देख रहे हैं कि जो पूर्णतः हिंदी भाषी राज्य हैं इनको हमने दस भागों में बांटा है हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार उत्तराखंड झारखंड राजस्थान छत्तीसगढ़ हरियाणा और दिल्ली ये राज्य हैं जहां पर हिंदी को पूर्ण रूप से बोला जाता है या समझा जाता है फिर गौण रूप से जो राज्य आते हैं वो है पंजाब और महाराष्ट्र जहां पर थोड़ा कम इसको इस्तेमाल किया जाता है हिंदी को और फिर आते हैं अहिंदी भाषी राज्य जहाँ पर हिंदी बहुत ही कम यूज़ की जाती है लेकिन उसके प्रमुख नगरों या प्रमुख शहरों में क्या है हिंदी भाषी लोग रहते हैं या हिंदी का प्रयोग वहाँ पर होता है तो वो प्रमुख नगर देखिए कौन कौन से जैसे आंध्र प्रदेश हो गया कलकत्ता हो गया शिलांग हो गया मुंबई और अहमदाबाद इत्यादि इत्यादि तो यहाँ पर भी हिंदी भाषी लोग मिलते हैं तो यह होगी वैश्विक और भारतीय स्तर पर हिंदी की स्थिति आइए अब हम देखते हैं कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ और इसकी उपभाषाएँ क्या क्या हैं या इसकी बोलियाँ क्या क्या हैं तो चलिए देखते हैं हिंदी भाषी प्रदेश एवं उपभाषाएं और बोलियां तो अभी हमने पीछे क्या देखा कि जो दस राज्य हैं वहां पर हिंदी भाषा को बोला और समझा जाता है प्रमुखता से और उन्हीं हिंदी भाषी राज्यों के संपूर्ण क्षेत्र में हिंदी की पांच उपभाषाएं तथा अठारह बोलियां हैं तो आप इस एक चित्र आपके सामने है इसमें आप देख सकते हैं कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं और कौन कौन सी बोलियां हैं और ये वाला चित्र आपको बहुत सारी किताबों में भी मिल जाएगा आप चाहे तो आप गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की जो हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास है उसको आप देख सकते हैं उसमें भी एक बहुत अच्छे से दिया हुआ है इस चीज़ को तो जैसे हम हिंदी की बात कर रहे थे तो हिंदी का जो विकास है वो अपभ्रंश जो तीन मुख्यतः अपभ्रंश हैं उनसे हुआ है शौरसैनी अर्धमागधी और मागधी इन तीन अपभ्रंशों से पांच उपभाषाएं निकली पश्चिमी हिंदी राजस्थानी पहाड़ी हिंदी पूर्वी और बिहारी हिंदी और इन्हीं पांच उपभाषाओं से आगे जो क्या है पांच उपभाषाओं की क्या है बोलियां हैं कितनी है अठारह बोलियां हैं लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि ये सत्रह हैं क्यूं? क्यों क्योंकि वो दक्षिणी को इसके अंतर्गत नहीं रखते हैं इसलिए उनका कहना है कि ये सत्रह हैं अगर एग्ज़ाम में कभी अठारह पूछ लिया जाए या सत्रह भी पूछ लिया जाए तो हम अठारह की ओर से और निश्चित रूप से जाएंगे क्यों क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं तो हम अठारह बोलियों के बारे में ही हम हमें वर्णन मिलता है ठीक है तो देख लेते हैं कि पांच उपभाषाएं कौन कौन सी हैं जो हमने अभी देख ली कि पश्चिमी हिंदी पूर्वी हिंदी राजस्थानी और बिहारी और इत्यादि यही है मतलब पांच इन पांच उपभाषाओं को याद करने के लिए एक सिंपल सी मैंने जो अपनी सुविधा के लिए एक ट्रिक अपनाई थी आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तो देख लेना आप जैसे मैंने इसको बनाया था कि पूर्व पश्चिम की पहाड़ी में राजा बिहार कर रहे हैं देखिए पूर्व से हो गया पूर्वी हिंदी पश्चिम से पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी से पहाड़ी राजा से राजस्थानी विहार से बिहारी हिंदी हो गया तो ये पांच उपभाषाएं हैं जिनको याद रखने के लिए एक सिंपल सी साधारण सी ट्रिक बनाने का मैंने कोशिश की थी अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं तो ये तो होगी उपभाषाएं अब हम देखते हैं कि इन उपभाषाओं के अंतर्गत जो बोलियां हैं वो अठारह बोलियां हैं सबसे पहले हम उपभाषाओं को ही देख लेंगे कि उपभाषाओं में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पश्चिमी हिंदी को जो किसके अंतर्गत आती है शौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है तो पश्चिमी हिंदी की अगर हम बात करें इसका विकास शौर अपभ्रंश से हुआ है जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया इसके अंतर्गत आने वाली जो बोलियां हैं छह बोलियां कुछ विद्वान छह मानते हैं कुछ पांच मानते हैं जो ये कहते हैं कि हिंदी की बोलियां सत्रह हैं उनके अनुसार यहां पर पांच होंगी और जो कहते हैं कि अठारह हैं उनके अनुसार यहां पर कितनी होंगी उनके अनुसार यहां पर छह होंगी ठीक है दोस्तों तो इसके अंतर्गत देखिए तीन जो बोलियां आती हैं वो आती हैं आकार बहुला आकार बहुला से अभिप्राय है जिनका जिनके उच्चारण में क्या हो आ की आवाज आए जैसे छोटा बड़ा लास्ट में क्या आ रहा है आ की आवाज आ रही है ना तो इनको कहते हैं आकार बहुला या आकारांत ठीक है तो ये है आकारांत बहुला बोलियां ठीक है तो सबसे पहले देखिए इसमें कौन सी आती है कौरवी दूसरा है हरियाणवी तीसरा है दक्षिणी तो यह है आकार बहुला ठीक है और जो अन्य तीन आती हैं वो हैं ओकार बहुला मतलब जिनके जिनको बोल बोलते वक्त क्या है अंत में ओ की आवाज आए जैसे आयो कीनो लीनो दीनो ये इस तरीके के जो शब्द आते हैं इनको कहते हैं हम ओकार बहुला जिसमें ओ की ध्वनि आए तो इनमें से देखिए कौन कौन सी है ब्रजभाषा बुंदेली और कनौजी तो क्लियर है दोस्तों कि पश्चिमी हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है छह भागों में बांटा गया है या पांच भागों में बांटा गया है ठीक है तो आइए अब इनको सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके देखते हैं हम कि विस्तार से इनके विस्तार पूर्वक देखते हैं और एनटीए यूजीसी नेट हिंदी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों इनमें से कौरवी और ब्रजभाषा तो इनकी विशेषताओं को भी हम ध्यान से देखेंगे तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कौरवी या खड़ी बोली की दोस्तों अगर खड़ी बोली की बात की जाए तो इसका नामकरण राहुल सांकृत्यायन जी ने किया है जो कौरवी नाम किसने दिया है ये राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया है राहुल सांकृत्यायन को कहा जाता है महापंडित तो इन्हें महापंडित के नाम से भी जाना जाता है ये भी कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में देखिए कौरवी का जो अन्य नाम है इसको खड़ी बोली नागरी सर हिंदी और हिंदी इत्यादि भी कहते हैं ये इसके अन्य नाम है अगर प्रथम कवि की बात की जाए तो प्रथम कवि खड़ी बोली के जो हैं वो अमीर खुसरो जो अमीर खुसरो हैं वो अपनी मुकरियों और किसके लिए जाने जाते हैं पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं अमीर खुसरो ठीक है अगला आता है कि गद्य में जो प्रथम प्रयोग किया वो किस किसने किया लल्लू लाल सदल मिश्र सदासुख लाल ने ठीक है तो गद्य के रूप में किस किनों किया इन तीन व्यक्तियों ने किया फिर आता है उसके बाद खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य देखिए प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास तो प्रिय प्रवास की रचना का अर्थ है अयोध्या उपाध्याय और प्रवास की रचना इन्होंने की चौदह में प्रिय प्रवास को जो अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों वो है ब्रजांगना विलाप ब्रज आंगना विलाप मतलब ब्रज के आंगन में क्या है एक तरीके से विलाप हो रहा है तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि प्रिय प्रवास में कहानी की चीज की है ब्रज के आंगन में क्या हो रहा है विलाप हो रहा है ठीक है तो प्रिय प्रवास में कहानी है कृष्ण की बचपन से लेकर के मथुरा जाने तक तो कृष्ण बचपन से कहां पर रहे गोकुल में रहे गोकुल, गोकुल से जब वो मथुरा जा रहे थे वहां पर लोग उनके वियोग में क्या एक तरीके से आंसू बहा रहे थे इसलिए इसको अन्य नाम दिया जाता है ब्रजांगना बिलाप। और इसमें कृष्ण के के बचपन से लेकर मथुरा जाने तक की कहानी है ठीक है दोस्तों तो तो ये हो गया महाकाव्य जो प्रथम महाकाव्य था खड़ी बोलीगा अब हम देखते हैं कि इसका अर्थ जो है कामता प्रसाद गुरु देखिए पहले हमने पढ़ा संस्कृत में कौन से पाणिनी जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी उसके बाद हमने पढ़ा प्राकृत का पानी तो प्राकृत का पाणीनी कहते हैं हेमचंद्र हेमचंद्र जी जी को तो ने लिखा प्राकृत व्याकरण और अब हम पढ़ रहे हैं कामता प्रसाद गुरु जिन्हें कहा जाता है हिंदी का पानीनी तो इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा इन्होंने कौरवी को कर्कश मतलब कि कौरवी बोली कैसी है कर्कश है तो इनके कहने का मतलब ऐसा था अब देखते हैं कि खरी या शुद्धता से भी कुछ विद्वान कहते हैं कि इसका अर्थ खरी या शुद्धता भी शुद्ध भी है तो ये हमने पहले भी कहा बोल दिया ऊपर कि खरी बोली क्या है जो शुद्ध है वही क्या है खड़ी बोली है कुछ अब किशोरी दास वाजपेयी कहते हैं कि अकारांतता के कारण ही इसे खड़ी बोली कहा जा सकता है तो अकारांतता जैसे मैंने पहले भी कहा थी कि अकारांतता क्या होता है तो ये किशोरी दास वाजपेयी ने कहा कि ये अकारांत है कि इसमें खड़ी पाई लगी होती है ठीक है तभी इसको क्या कहते हैं खड़ी बोली कहा जाता है तो ये थे खड़ी बोली के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आइए अब हम देखते हैं कि खड़ी बोली का जो क्षेत्र है किन किन क्षेत्रों में खड़ी बोली बोली जाती है तो इसका जो प्रमुख क्षेत्र है देखो बिजनौर रामपुर मुरादाबाद मेरठ मुजफ्फरपुर सहारनपुर दिल्ली गाजियाबाद बुलंदशहर और देहरादून का मैदानी भाग ठीक है दोस्तों तो ये प्रमुख बोली के क्षेत्र हैं इसके जहां पर ये बोली जाती है ठीक है कुछ विद्वान कहते हैं कि इसका जो शुद्ध रूप है वो क्या है वो बिजनौरी है तो कई बार इस तरीके से भी पूछा सकता है कि विद्वानों का मत क्या है कि शुद्ध रूप से कौरवी का क्या रूप शुद्ध रूप है तो वो बिजनौरी भी मानते हैं कुछ एक विद्वान तो अब हम देखते हैं कौरवी की विशेषताएं क्या क्या हैं तो सबसे पहली जो विशेषता है देखिए आदि अक्षर में स्वर लोप तो आदि का मतलब आरंभिक जो आरंभिक जो अक्षर होता है उसका स्वर उस का लोप हो जाता है देखिए जैसे अंगूठा है तो इसमें क्या हो जाएगा गुठा हो जाएगा फिर दूसरी जो विशेषता है वो है आकार बहुला आकार ये तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं कि आकार का मतलब क्या होता है जैसे छोटा बड़ा छोटा जिसमें पाई का निशान लगा हो खड़ी पाई लगी हो वही क्या है वही इसकी विशेषता है आकार बहुला है या इसको आप आकारांतता भी कह सकते हैं ठीक है फिर आता है द्वित्व व्यंजनों की अधिकता द्वितीय मतलब द्वितीयकरण जो हमने पहले भी पढ़ा था ठीक है जैसे बड़ा है तो इसमें एक डॉ ये और जोड़ देते थे बड्डा बेटा गाडी इस तरीके से ये एक और विशेषता है कौरवी की ठीक है ए और औ का उच्चारण अति समृद्ध मतलब बहुत कम इसका इस्तेमाल मतलब बहुत कम था ए, ए और औ का एक तरीके से अभाव था देखिए जैसे बैठ बोलना हो तो उसके लिए बोलते थे बेट और को क्या हो गया था और ठीक है अब नौ और बो के स्थान पर ये नौ का प्रयोग करते हैं या और बो का प्रयोग करते हैं जैसे अगर खाना बोलना होगा तो ये बोलेंगे खाना अभी अगर बोलना होगा तो अभी पीने का जो हो जाएगा पीना ठीक है तो ये है कौरवी की अन्य विशेषता आइए अब हम देखते हैं जो दूसरी महत्वपूर्ण और प्रमुख बोली है किसकी पश्चिमी हिंदी की तो वो है भाषा तो भाषा का जो समय माना जाता है वो एक हजार के आसपास कुछ विद्वान इसको मानते हैं कि एक हजार के आसपास जो भाषा बोली जाती थी उसको क्या कहा जाता था ब्रज कहा जाता था अब यह आता है कि ब्रज का ब्रज भाषा का जो केंद्र है वो कहां, -कहां जाती थी तो आगरा और मथुरा के इर्द गिर्द मतलब मथुरा और आगरा कहते हैं इसके एक तरीके से सेंटर थे ठीक है वहां पर ये अधिक बोली जाती थी इसके अन्य नाम देखिए क्या क्या है ब्रजबुली अंतर्वेदी और मणिमाधुरी तो दोस्तों अन्य नाम इसके हैं ब्रजबुली अंतर्वेदी मणिमाधुरी ब्रजबुली इसको जो नाम दिया है वो दिया है ईश्वरदास गुप्त ने ठीक है ईश्वरदास गुप्त कहते हैं कि ये ब्रज बोली है ठीक है अब जो अंतर्वेदी अंतर्वेदी नाम दिया इसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने अंतर्वेदी नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि गंगा और यमुना नदी के बीच का जो स्थान है उसे कहा जाता है और वहां पर जो बोली बोली जाती है उसे कहते हैं अंतर्वेदी ठीक है तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं तो अब आता है कि ब्रज का अर्थ क्या है जैसे ब्रज हम सुनते हैं तो हमारे जहन में एक चीज आती है कि ब्रज का मतलब है कृष्ण ब्रज बिहारी ठीक है ब्रज बिहारी ठीक है तो इस तरीके से पशुओं तो कृष्ण क्या करते थे गौं को चराते थे गौं को चराने का जो स्थान था या पशुओं का जो चारागाह था उसको क्या कहते हैं कहते हैं इसीलिए इसका नाम क्या क्या पड़ा ब्रज की जो भाषा भाषा थी 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 वो थी? थी. ठीक है है फिर आता कि इसके बोली क्षेत्र क्या क्या है देखिए जैसे हम पहले भी पढ़ चुके कि आगरा और मथुरा तो इसके क्या थे केंद्र थे ठीक है इनके अलावा इन क्षेत्रों के अलावा अलीगढ़ बरेली बुदायू एटा मैनपुरी भरतपुर गुड़गांव ग्वालियर और करौली यहाँ ककरौली हो गया आप इसको ठीक कर लीजिएगा करौली तो इन क्षेत्रों में क्या है ये भाषा बोली जाती थी तो ये थी ब्रज भाषा के बारे में थोड़ी सी जानकारी अब हम देखते हैं कि ब्रज भाषा के साहित्यकार कौन कौन से हुए तो दोस्तों ब्रज भाषा में साहित्य बहुत विस्तृत साहित्य बहुत अधिक साहित्य रचना हुई है इसमें खासकर अगर रीतिकालीन कवियों की बात करें तो रीतिकाल के कवियों ने ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग किया है आदिकाल में हेमचंद्र ने ब्रज भाषा के बारे में लिखा है जबकि मध्यकाल में जो अष्टछाप के कवि थे उन्होंने जिसमें सूरदास तुलसीदास अन्य कवि हैं हालांकि वो अष्टछाप में नहीं है नंददास रसखान सेनापति बिहारी देव रत्नाकर इत्यादि ये जो साहित्यकार हुए हैं इन्होंने अपने साहित्य में किसको है ब्रज का इस्तेमाल किया हुआ है अन्य आधुनिक काल में देखिए लल्लूलाल भारतेंदु रत्नाकर सत्यनारायण कविरत्न इत्यादि इत्यादि ये जो साहित्यकार हैं इन्होंने ब्रजभाषा का इस्तेमाल अपने साहित्य में किया है ठीक है दोस्तों तो ये हो गए ब्रजभाषा के साहित्यकार अब हम देखते हैं कि ब्रजभाषा की विशेषताएं क्या क्या हैं तो देखिए अभी तक जैसे हम खड़ी बोली की पढ़ रहे थे तो वो आकारांत थी तो ये क्या है ये औकारांत है ओकारांत का मतलब यहां पर ओ की आवाज लास्ट में आएगी जैसे दीन हो लीन हो, कीन हो मतलब इस से जहां पर भी आएगा तो वो क्या है वो आपका ब्रज भाषा है ठीक है ये इसकी क्या है विशेषता है ओकार बहुला ए और औ मूल स्वर तो वहां पर जैसे बैठ था ना तो यहां पर वो बैठ ही होगा क्यों क्योंकि यहां पर ये अलग अपने मूल स्वर हैं ये और औ ठीक है जैसे वहां पर औरत होता तो वो औरत होता, यहाँ पर वो क्या होगा ठीक है था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसका खाना ही हो जाएगा ल और के स्थान पर क्या है अगर कहीं और के स्थान पर क्या आ जाता था यहां पर क्या आ गया, गया। जैसे थोड़ा बोलना था तो यहां पर क्या हो गया वो थोड़ा अगर थोड़ा है लेकिन लास्ट में देखिए र है तो उसको क्या बोलेंगे वो ओ बोलेंगे ओकार बहुला बना देंगे उसको तो वो हो जाएगा थोरो

देखिए और इनमें से भी किसके सिर्फ ई और उ, जो दो है उनसे करते थे जैसे करी बहुरी इनमें दोनों में क्या है कि इसमें, जैसे साहुकार बोलना, तो उसको क्या बोलेंगे? इसमें कम इस्तेमाल किया जाता था तो यह थी दोस्तों ब्रज भाषा की कुछ विशेषताएं फिलहाल एनटी यूजीसी नेट हिंदी के जो पाठ्यक्रम में जो दो प्रमुख बोलियां हैं जिनकी विशेषताएं हम करेंगे हम लोगों को जरूरी था करना वो थी कौरवी और ब्रजभाषा की विशेषताएं इसके अलावा जो एक अन्य उपभाषा के अंतर्गत आने वाली बोली है दोस्तों वो है आपकी अवधि जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है इसकी विशेषताएं भी, भी हमारे एन टी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल हैं उसको हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई ऊर्जा और स्फूर्ति के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत जय हिंद जय भारत अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें